अतीक की पत्नी शायस्ता को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। शायस्ता अतीक की पूरी संपत्ति की जांच करवा रही है। वो अतीक की संपत्ति और कंपनियों को अपने नाम करवा रही है। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है। सूत्रों के माने तो शायस्ता अपने पति अतीक अहमद की संपत्ति और कंपनियों को अपने नाम करवा रही है। एसटीएफ को उसकी दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर संपत्ति अपने नाम करवाने की जानकारी मिली। इस काम को करने में शायस्ता अकेली नहीं है, बल्कि कई बेनाम संपत्तियों को हासिल करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित कई लोग उसकी मदद कर रहे हैं। हालांकि शायस्ता परवीन को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार हर जगहों पर दबिश कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो अब तक पुलिस को इस मामले में कोई अहम जानकारी नहीं मिली। लेकिन शायस्ता परवीन रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है। उसने कई बेनाम संपत्तियों को अपने नाम करवाया, यही नहीं कई संपत्तियों को अपने सगे संबंधियों के नाम भी किया। इस मामले में भी एसटीएफ और यूपी पुलिस जानकारी हासिल करने में जुटी है। अब तक पुलिस को ये बात पता चली कि शायस्ता प्रयागराज में ही है। पिछले दिनों उसकी लोकेशन प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मिली, जिसके बाद इस इलाके के कई गांवों में छापेमारी हुई। लेकिन शायस्ता को पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकामयाब रही है, क्योंकि शातिर शायस्ता परवीन हर बार चकमा देने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से शायस्ता पर पुलिस की ओर से 50,000 का इनाम घोषित किया गया। शायस्ता उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस द्वारा आरोपी बनाई गई और उसकी तलाश जारी है। वो अपने पति अतीक अहमद, बेटे असद और देवर अशरफ के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।